Was it the voice? Was it the fire burning in me? All of the noise turned into choirs of harmony. तो आपको थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा, आज हम बात करेंगे द डार्क साइड ऑफ जापान इट्स मींस या MT15 के बारे में और इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। सो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं, सो लेट्स गो। सो हे गाइस, दिस इज मी अमन यादव, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंडर लाइफ। सो सबसे पहले हम एडवांटेज के बारे में बात करेंगे। सो पहला एडवांटेज है इसका प्राइस। अब प्राइस को एडवांटेज में क्यों डाला है ये आपको आगे पता चलेगा, तो वीडियो एंड तक देखें। तो हम बात करेंगे इसके प्राइस के बारे में, जो कि हम लोगों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसका प्राइस चल रहा है 1,68,000 से 1,70,000, और फिर थोड़ा अपने स्टेट के हिसाब से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे पड़ जाता है। तो आपके सिटी और स्टेट में क्या प्राइस चल रहा है आप कमेंट में बता सकते हैं। सो सेकेंड इज़ द डार्क साइड ऑफ जापान इट्स मीन्स यामा MT15, यानी कि हम बात करेंगे यामा MT15 के इंजन क्वालिटी के बारे में। ये तो आप सभी जानते हैं, यामा की बाइक्स अपने इंजन क्वालिटी की वजह से पहले से ही काफ़ी ज़्यादा फेमस है। सो यामा ने एक बार फिर से छोटा पैकेट बड़ा धमाका दिया है, एक बार फिर से यामा ने सबका दिल जीत लिया। मतलब इस 150cc के इंजन में क्या पावर डाली, मतलब पूरा पैसा वसूल है। सो थर्ड इज़ माइलेज। ये तो सबको पता ही है कि आज के टाइम पेट्रोल कितना महंगा हो चुका है, कहीं कहीं तो सेंचुरी भी मार चुका है। सो माइलेज हम लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और यामा ने बहुत अच्छा काम किया अपनी बाइक्स पर, और मतलब 18.23 bhp की पावर के साथ साथ माइलेज भी काफ़ी अच्छा दिया है। इसमें आपको 40 से 45 तक का माइलेज मिल जाता है। सो नेक्स्ट इज़ परफॉर्मेंस, मतलब इसका जो पिकअप है और पावर है वो किसी BS6 200 से कम नहीं है। मैंने काफ़ी ड्रैग रेस में देखा है कि MT15 ने ड्यूक 200 और NS 200 को पूरी टक्कर दी है। मतलब इसका इनिशियल पिकअप काफ़ी फाड़ है। सो नेक्स्ट इज़ लुक्स। हमारी यंग जनरेशन को लुक्स और पावर दोनों ही चाहिए, और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। हम इतना पैसा डालने के बाद इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं, और ये बाइक्स लुक्स के मामले में बिल्कुल भी पीछे नहीं है। यंग जनरेशन के लिए परफेक्ट बाइक है ये। सो नेक्स्ट इज़ मेंटेनेंस। देखो ऑब्वियस ही बात है, जिस बाइक का इंजन क्वालिटी अच्छा होगा उसका मेंटेनेंस कम होगा, और यामा की बाइक्स पहले से ही अपने इंजन क्वालिटी को लेके फेमस हैं। सो नेक्स्ट इज़ ब्रेकिंग। इसमें आपको सिंगल चैनल ABS मिलता है, इसके बावजूद भी बाइक बिल्कुल स्केटिंग नहीं करती। अगर आपको इसमें डुअल चैनल ABS मिलता है तो इसकी ब्रेकिंग और भी बेटर हो जाती। सो अब हम बात करेंगे इसके डिसएडवांटेज के बारे में। तो फर्स्ट इसका डिसएडवांटेज है इसके इंडिकेटर। मतलब इतने पैसे डालने के बाद थोड़े तो बेटर इंडिकेटर होनी चाहिए, और पर्सनली मुझे भी पसंद नहीं है, काफ़ी लोगों को भी ये इंडिकेटर पसंद नहीं आ रहे हैं। सो नेक्स्ट इज़ प्लेन सीट। जो इसकी प्लेन सीट है वो थोड़ी सी अनकंफर्टेबल है, मतलब यंग जनरेशन के लिए तो ठीक है, मतलब अपनी फैमिली मेम्बर के लिए थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है। सो नेक्स्ट इज़ वेट। मतलब इस बाइक का वेट एडवांटेज ही है, डिसएडवांटेज है वो कैसे। मतलब एडवांटेज ये है कि अगर इसका लाइट वेट रहेगा तो बाइक परफॉर्मेंस अच्छा करेगी, काफ़ी अच्छा जाएगी। और डिसएडवांटेज ये है कि इसका वेट कम रहेगा तो बाइक की स्टेबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है, मतलब बाइक परफॉर्मेंस अच्छा करेगी लेकिन स्टेबिलिटी नहीं रहेगी।